नमस्कार दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल दृष्टि हरियाणा। ठीक है, तो हम आज क्लास में पढ़ रहे थे भाई, कल की क्लास में पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम संख्या पत्ती में पढ़ रहे थे, और इस क्लास में, कल की क्लास में हमने देखा कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हमने कल क्या पढ़ लिया था भाई, हमने पढ़ लिया था इंटीजर्स के बारे में। ठीक है भाई, इंटीजर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास मतलब एक दो तीन चार और ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास एक दो तीन चार से चल के इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे और माइनस वन तक। ठीक है, तो जो जीरो होता है हमारे पास, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है भाई, तो यही बात हमने लिख रखी है भाई, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, शून्य न तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एक कल बात बताई थी भाई कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास किसका होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। और अगर आप जीरो को भी मिला लेते हो इसमें, तो जीरो को मिलाते ही ये कौन से नंबर बन जाते हैं भाई, होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था कल, ये वाला भाई, ये क्वेश्चन किया था हमने, इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो गया था कि विच वन ऑफ द इज डेफिनेटली ट्रू, कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आगे सवालों पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इफ ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू पॉजिटिव, वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ए बी सी हमारे पास क्या है, ए बी सी की गुणा करवाएं तो एक पॉजिटिव नंबर आता है, और ए बी सी हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है भाई, तो देखो बात करें हम, पहला इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि आइदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, इधर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव। क्या कह रहा है कि या तो बी या सी पॉजिटिव होने चाहिए भाई। ठीक है, इधर बी या सी मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप तीन नंबर की गुणा करवाओगे ए बी और सी की, और ये पॉजिटिव कब आ सकती है कि या तो आप इन दोनों को नेगेटिव ले लो और इसको क्या ले लो, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपने बी और सी को पॉजिटिव लिया और ये हमारे पास नेगेटिव रह गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा भाई। अगर हमने ए को अकेले को नेगेटिव रख लिया, इन दोनों को पॉजिटिव रख लिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है भाई, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एटमोस्ट टू ऑफ देम इज नेगेटिव, इसमें ज्यादा से ज्यादा दो नंबर नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है भाई, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, एटमोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव, कि इसमें से दो पॉजिटिव होने चाहिए, अगर दो पॉजिटिव हो गए एटमोस्ट, तो तीसरा अगर हमने नेगेटिव ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फिर कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव, कि कम से कम इनमें से एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इनमें से आपके पास कौन सा है कि अगर आप ए और बी, बी और सी में से एक को पॉजिटिव ले लो और बाकी दो को नेगेटिव ले लो, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही हो सकती है भाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो सकती है, सही हो सकती है। चलो अभी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा ये एक वेन डायग्राम है भाई, किसका, नंबर्स का, किस प्रकार क्लासिफिकेशन कर रखा है। देखो सबसे पहले होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर, प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या जो अब तक हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन में, उनके ऊपर ही आधारित है भाई ये वेन डायग्राम। तो रैशनल नंबर्स प्रीमेय संख्या है, उसके बाद उसके अंदर क्या आते हैं भाई, प्रीमेय संख्याओं में क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, प्रीमेय संख्या होती है। तो इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। उसके बाद इंटीजर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि पूर्णांक में हमारे पास अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लो और उसमें जीरो मिला लो, तो क्या नंबर बन जाते हैं भाई, होल नंबर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, होल नंबर। और अगर आप होल नंबर में जीरो को छोड़ दो, बाकी जो बचते हैं वो सारे क्या बनते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो एक वेन डायग्राम बन गया किस हिसाब से, कि प्रीमेय
रैशनल नंबर्स के अंदर क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है, जब आप रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को दोनों को मिला के लिखते हो तो हमारे पास किसका सेट बनता है भाई, रियल नंबर्स का। किसका सेट बनता है, रियल नंबर्स का। और अगर आप रियल नंबर्स और किसका, इमेजिनरी नंबर्स का दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, तो ये बस एक वेन डायग्राम था समझने के लिए। दूसरा इसमें क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या ना, प्रत्येक प्रीमेय प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। देखो वेन डायग्राम देखो, अगर हम वेन डायग्राम देखें तो जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं वो किस में आते हैं, रियल नंबर्स में तो आते हैं भाई। जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास वो किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि जब मैं रैशनल को और इरेशनल को दोनों को मिलाऊंगा तो रियल नंबर बनेगा। अगर मेरे को बनाना पड़ जाए इस हिसाब से तो इसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों क्या आएंगे, रियल नंबर्स, दोनों किस में आएंगे, रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक है भाई, तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट यही है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, सही बिल्कुल। दूसरे में क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है वो इरेशनल नंबर होगी, तो ये बात क्या है भाई, गलत। प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होता है, रियल नंबर के अंदर तो आएंगे, लेकिन ये कह रहा है कि जो सारे रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, कि रियल नंबर में तो हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं और इंटीजर्स हमारे पास क्या है भाई, रैशनल है। ठीक है, अगले में कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, जो प्रत्येक इंटीजर है हमारे पास पूर्णांक होते हैं वो सारे वास्तविक संख्या में आते हैं, तो जो सारे इंटीजर्स हैं हमारे पास वो किस में आएंगे भाई, पूर्णांक मतलब उसमें आएंगे, वास्तविक संख्याओं में आएंगे जितने भी पूर्णांक है, तो ये हमारे पास क्या है, सही। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जो एवरी रैशनल नंबर जो प्रत्येक क्या है हमारे पास प्रीमेय संख्या है वो रियल नंबर्स में आती है, तो ये बात भी क्या है भाई, सही। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट, ये तीनों क्या है भाई, सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बी भाई। ठीक है भाई, समझ गए बात को, चलो अभी नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट ये भी एक वेन डायग्राम का सेट है भाई, वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट बनते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या आएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर ही क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और फिर रियल नंबर को हम दो पार्टों में बांटते हैं, इरेशनल और रैशनल में। तो इरेशनल तो हमारा वही खत्म हो जाता है, रैशनल के अंदर फिर क्या क्या आएंगे, फिर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं, और होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, ये एक वेन डायग्राम है क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए। अगर किसी भी में से अगर कोई भी वेन डायग्राम आ गया हमारे पास, अगर पूछ लिया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है, इनका वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे किस प्रकार बनेंगे भाई, होल नंबर के अंदर कौन से नंबर चले जाएंगे, नेचुरल नंबर्स चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर देन रूट एक्स इज, यदि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एक्स क्या होगा, ये बताना है। पहली बात क्या कह रहा है, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, ये बात सही है या गलत, ये बतानी है भाई, बताओ भाई ये बात सही है गलत, कि ऑलवेज ए नेचुरल नंबर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या आते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स में, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप, हमने मान लो एक्स नेचुरल नंबर है, अगर एक्स को 2 ले लिया तो अगर आप रूट 2 लोगे तो रूट 2 हमारे पास क्या है भाई, इरेशनल, ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है भाई, गलत। दूसरी पे क्या कह रहा है, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या आएगी या फिर क्या आएगी, अप्रीमेय संख्या आएगी। तो प्राकृतिक संख्या अगर आपने 2 लिया तो इसका रूट निकालोगे, ये तो चलेगी इरेशनल में, और अगर आपने इसको एक्स का मान 4 ले लिया, इसका रूट निकालोगे तो कितना आ गया, 2, तो 2 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, सही, कि या तो वो अप्रीमेय संख्या होगी या फिर क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अगले में कह रहा है ऑलवेज ए रैशनल नंबर,
हमेशा एक प्रीमेय संख्या होगी। अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया दो का, तो रूट दो हमारे पास क्या है, इरेशनल, तो इसका मतलब ये भी गलत है भाई। अगले में क्या कह रहा है, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, कि हमेशा एक अप्रीमेय संख्या होगी। तो हमेशा अप्रीमेय संख्या कैसी होगी भाई, जब हमने इस वाली बात को देखो, तो जब हमने इसको लिया रूट एक्स का मान चार लिया, तो रूट चार बराबर किसके आ गया, दो के, जो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो हमेशा ही रैशनल भी नहीं हो सकती, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत। तो एक ऑप्शन है हमारे पास क्या भाई, आइदर ए नेचुरल और एन इरेशनल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या होगी या फिर क्या होगा हमारे पास, अप्रीमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। चलो अभी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है कि भाई ये इंटीजर्स हैं हमारे पास, पूर्णांकों को हम दो पार्टों में बांटते हैं, ओड और इवन में। ठीक है, पूर्णांकों को हम कितने में बांटते हैं, दो पार्टों में, ओड और इवन, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो जो सम संख्याएं होती हैं वो आपको पता ही है क्या होंगी, 0, 2, 4, -2, -4, ये सारे हमारे पास किस में आएंगे, इवन इंटीजर्स में। और ऑड में हमारे पास क्या आएंगे, 1, 3, -1, -3। ठीक है, 0 इज एन इवन इंटीजर, शून्य एक सम पूर्णांक है। ठीक है, 0 हमारे पास क्या है भाई, सम पूर्णांक है। क्योंकि अगर हम संख्या की पहचान कैसे करते हैं, अगर मान लो उसने कोई नंबर दे दिया 532, उसने हमें नंबर दे दिया 532, और 532 का मतलब, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये सम है या विषम है, हम क्या करते हैं, केवल यूनिट डिजिट को देखते हैं, इकाई अंक को। केवल हमने किसको देखा, इकाई अंक को, और इकाई अंक इसका क्या है, दो, और इसको देख के हमने बता दिया कि ये क्या है भाई, इवन नंबर है। ठीक है, दूसरा अगर हमें 530 दे दे, वो अगर वो हमें दे दे 530, तो 530 देने का मतलब क्या हो गया, 530 हमारे पास इवन है या ओड, क्या है हमारे पास, सम संख्या। कैसे पता लगा, कि हमने इसके जीरो को देखा, जीरो हमारे पास किस में आती है, इवन नंबर में आती है, तो इसलिए हम जीरो को किस में काउंट करते हैं, इवन में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इवन और ओड की, क्या कह रहा है कि अगर आप इवन में इवन जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, अगर आपने इवन में इवन जोड़ा तो आपके पास इवन बनेगा। जब आप किसी भी सम संख्या में सम संख्या को ही जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास, सम संख्या आएगी। ठीक है भाई, ओड प्लस ओड, जब आप ओड संख्याओं को जोड़ोगे तो हमारे पास, मतलब विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा भाई, विषम संख्या ही आएगी। अगले में कह रहा है, जब आप ओड को और इवन को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओड आएगा। जब आप ओड को और इवन को जोड़ोगे, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देखो, अगर आपने दो में तीन को जोड़ा तो कितना आया, पाँच। 101 में आपने दो को जोड़ा तो कितना आया, 103। तो सारी हमारे पास क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। ठीक है, जब आप इवन में किसको जोड़ोगे, ओड को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओड आएगा। और जब आपने इवन इवन की गुणा करवाई तो हमारे पास क्या आएगी, सम संख्या आएगी। जब आप सम की विषम के साथ गुणा करवाओगे तो हमारे पास क्या आएंगी, सम संख्या आएंगी। इवन और ओड की गुणा करवाओगे तो भी हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। और जब आप ओड की ओड के साथ गुणा करवाओगे, ठीक है, जैसे आपने पांच की तीन के साथ गुणा करवाई तो कितना आया, 15। और जब आप ओड की ओड के साथ करवाओगे तो हमारे पास क्या आती है, ओड। ठीक है, क्या आती है, विषम संख्या ही आती है। ठीक है भाई, ये तो बेसिक सी बात थी, लेकिन एक बार बता दिया जिसको नहीं पता हो उसके लिए भी, कि इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन आएगा, ओड में ओड जोड़ोगे तो ओड आएगा, इवन में ओड जोड़ोगे तो ओड आएगा, और इवन की इवन के साथ गुणा करवाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन की अगर आपने ओड के साथ गुणा करवाई तो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। और ओड की ओड के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओड आ जाएगा भाई। तो इस पीपीटी के आधार पे एक क्वेश्चन बनता है भाई, ये कि इसमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जब आपने ओड की गुणा किसके साथ करवाई, इवन के साथ, तो ओड की गुणा इवन के साथ होती है, अभी बताया क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। और फिर आपने इवन की गुणा ओड के साथ करवाई तो ये क्या रहेगा, इवन ही भाई। दो ओड है आपके पास, दो नंबर्स तो क्या है, ओड है, ये दोनों नंबर तो आपके पास क्या है, ओड। और इसकी अगर आपने एक बार इवन के साथ गुणा करवा दी तो इवन के साथ गुणा करवाते ही क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। क्या बनेगा, ओड, ये बता रहे, लेकिन बनेगा क्या भाई, इवन। जब कोई भी कितने भी नंबर की गुणा कर रखी हो वो सारे ओड हो, अगर आपने एक भी इवन नंबर से गुणा करवा दी तो वो सारी संख्या का जो आंसर आएगा वो क्या, किस में आएगा, इवन में आएगा, सम संख्या में आएगा। ठीक है भाई, तो पहली स्टेटमेंट तो क्या है, गलत। दूसरे में क्या कह रहा है, ओड प्लस ओड प्लस इवन, अगर आपने ओड में ओड जोड़ा तो ओड में ओड जोड़ा, अभी बताया क्या था भाई, ओड में ओड जोड़ते ही हमारे पास ओड नंबर आएगा। और अगर आपने ओड में इवन जोड़ा तो भी आपके पास क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा।
ठीक है, जब आपने ओड में ओड को जोड़ा तो आपके पास कौन सा नंबर आया? ओड में ओड को जोड़ोगे तो कौन सा नंबर आएगा भाई? अरे ओड में ओड के साथ जोड़ते ही हमारे पास कौन सा नंबर बनता है? ओड नंबर। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई ओड में ओड। देखो एक बार, 3 और 5 8 बन गया, तो ये कंपलसरी नहीं है भाई। ठीक है, ये बात रहने देना, जरूरी नहीं है कि ओड में अगर आप ओड जोड़ोगे तो ओडीआई। ठीक है भाई, ये बाई मिस्टेक हो गया। अगले पे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ओड में अगर आपने ओड जोड़ा और उसमें इवन जोड़ा तो ये नंबर क्या आएगा? ओड आएगा। तो ये एग्जांपल हमने अभी लेके देखा कि अगर आपने मान लो 3 और 5 ले लिया और उसमें आपने इवन नंबर 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 10। ये तो इवन आ गया भाई। ठीक है, तो ये तो सही हो भी सकती है और नहीं भी। अगर नंबर इस प्रकार के आ गए जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल लेके देखा था भाई, अगर आपने नंबर इस हिसाब से ले लिए कि मान लो ये तो हर केस में ही इवन बनेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ओड प्लस ओड माइनस इवन। अगर आपने ओड में ओड जोड़ा कि 3 में 5 जोड़ा और उसमें से 2 घटा दिया मान लो, तो 3 और 5 8, 8 में से 2 गए तो कितना आ गया? 6। तो ये हमारे पास हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं भाई, इवन माइनस इवन प्लस ओड। इवन माइनस इवन, अगर आपने मान लो 8 में से 2 घटाया और उसमें आपने 3 जोड़ दिया तो 6 प्लस 3 बराबर किसके? 9 के। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट चाहिए भाई? केवल तीसरी स्टेटमेंट चाहिए, जब आप ओड में ओड को जोड़ोगे और फिर इवन को घटाओगे तो हमारे पास क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स वाई जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। मान लीजिए एक्स वाई जेड भिन्न पूर्णांक है, एक्स और वाई विषम और धनात्मक है। एक्स और वाई क्या है? विषम है और धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है लेकिन क्या है? ओड है। और जेड हमारे पास सम और धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं हो सकता? अगर आप ये हमारे पास क्या है, जेड क्या है भाई? इवन नंबर। इवन की गुणा अगर आप किसी भी नंबर के साथ करवाओगे, इवन की गुणा जब आपने किसी भी नंबर के साथ करवाई, यहां चाहे आपके पास ओड आए चाहे आपके पास इवन आए, वो हमेशा क्या रहेगी? इवन ही रहेगी। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे में कह रहा है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जेड, तो वाई स्क्वायर क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या का आप क्या करोगे? ओड का स्क्वायर करोगे। ओड का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई? ओड ही आएगा। और इसके गुणा एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड मतलब ओड में से क्या घटाना है? इवन घटाना है। और ओड में से इवन घटाओगे तो क्या आएगा भाई? अभी बताया था हमने इस वाले, कहाँ गई भाई वो? ये देख, अगर आप ओड में से इवन को घटाओगे तो क्या बनेगा? इसमें हमारे पास ये वाला नहीं है, वैल्यू पुट करके देख लो भाई क्या आ जाएगा भाई। अगर आपने ओड में से इवन को घटाया, अगर आप नंबर लो मान लो 5 और -2, ये कितना आ गया? 3। और यहाँ ओड का स्क्वायर ओड ही नंबर आ रहा है, मान लेते हैं हम 9 आ रहा है, तो ये कितना आया? 27। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ओड आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर वाई माइनस जेड, अगर आपने ओड के साथ गुणा करवाई, वाई हमारे पास क्या है? ओड नंबर है। और ओड के साथ आपने गुणा करवाई किसकी? एक्स माइनस जेड मतलब इवन माइनस ओड। ठीक है, किसकी गुणा करवाई? इवन माइनस ओड की। तो यहां से अगर आपके पास ये वाला नंबर, अगर आपके पास ये वाला नंबर क्या आ गया? ओड आ गया, तो ओड की ओड के साथ गुणा होके क्या जाएगा? ओड। ठीक है, ये कैसे? अगर इवन है मान लो, हम मान लेते हैं 8, और 8 में से अगर आपने 2 घटाया 3 घटाया तो कितना आएगा? 5। तो ये आपके पास क्या आएगा? ओड आएगा। और ओड ओड की गुणा होके क्या आएगी आपके पास? ओडी। अगले में कह रहा है वाई इंटू एक्स माइनस जेड इज ओड। वाई इंटू वाई क्या है हमारे पास भाई? वाई है हमारे पास इवन नंबर। तो इवन की गुणा क्या जब ओड के साथ होगी, चाहे इवन के साथ हो, तो ये आपके हमेशा क्या बनेगा? इवन बनेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है भाई? डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। ठीक है भाई, ये थोड़े से डेफिनेशन बेस के ऊपर सवाल है, आप थोड़े थोड़े करोगे तो ये एक हमारे पास एक ट्री डायग्राम बना रखा है भाई। जब आप रियल नंबर को बांटोगे तो क्या हो जाएगा भाई? रियल नंबर किस किस में चला जाएगा? रियल नंबर के दो पार्ट बनते हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल।
और नॉन इंटीजर और इंटीजर्स किस में आएंगे? रैशनल नंबर में। नॉन इंटीजर्स का मतलब वो नंबर जो हमारे पास इंटीजर्स के रूप में नहीं होंगे। इंटीजर्स में फिर बनते हैं दो, नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर। नेगेटिव और होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आते हैं भाई? जीरो और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये तो वही नंबर के बारे में है भाई, क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर थोड़ी सी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या कह रहा है भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास दो प्रकार के। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या होती है भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो हो, केवल और केवल दो फैक्टर हो, केवल दो गुणनखंड हो, ना तो दो से कम और ना दो से ज्यादा। वो सारे हमारे पास किस में आएंगे? प्राइम नंबर्स में आएंगे, अभाज्य संख्या में आएंगे। ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास क्या है? दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, और ये चलते जाएंगे भाई। ठीक है, दो, तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, ये चलते जाएंगे। इनके केवल कितने होंगे? केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए, ना दो से कम और ना दो से ज्यादा। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या भाई। बाकी जो बच गए वो हमारे पास क्या आएंगे? भाज्य संख्याओं में, जिसके दो से ज्यादा क्या होते हैं? फैक्टर। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो किसमें आएंगे? भाज्य संख्याओं में। और जिसके दो ही फैक्टर हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, वो सारे किसमें आते हैं भाई? अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, अब एक जो है हमारे पास ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो है हमारे पास वो क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर है। एक का केवल हमारे पास केवल कितना है? एक ही फैक्टर है। एक के केवल कितने फैक्टर हैं? एक फैक्टर एक ही है। तो ये हमारे पास किसमें नहीं आ सकता? भाज्य में। भाज्य के तो कितने होने चाहिए? दो से ज्यादा। और अभाज्य के कितने होने चाहिए? कम से कम ना, मतलब केवल और केवल दो। ठीक है, तो एक हमारे पास ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दूसरा कह रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। ठीक है भाई, और इकलौती इवन संख्या है जो क्या है? दो है भाई। तो सम अभाज्य केवल एक संख्या है, वो क्या होती है? दो होती है। दूसरा कह रहा है कि एक से लेकर पचास तक हमारे पास पंद्रह अभाज्य संख्याएं होती है। एक से लेकर पचास तक हमारे पास कितनी अभाज्य संख्या होती है? पंद्रह अभाज्य संख्याएं होती है, और पचास से लेकर सौ तक दस अभाज्य संख्याएं होती है। पचास से लेकर सौ तक कितनी होंगी? दस अभाज्य संख्याएं। और एक से लेकर सौ तक जब आप जाओगे तो इसका मतलब पंद्रह ये दस ये टोटल कितनी होगी भाई? पच्चीस। टोटल कितने होते हैं? पच्चीस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जो हमने अभी भाज्य अभाज्य बताया है उसी के बेस्ड ये एक हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा सही नहीं ये बताना है कि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। अभी ये बात बताइए वाली स्टेटमेंट क्या है भाई? सही। ठीक है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये बात बताई थी भाई कि जीरो हमारे पास ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? सही। अगला कह रहा है इफ पी इंटू क्यू, अगर आप पी और क्यू की गुणा करवाओ तो वो अगर इवन है, पी और क्यू की गुणा क्या है? इवन है, देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। तो पी और क्यू हमेशा इवन ही होंगे, जरूरी नहीं है। अभी बताया कि जब आप ओड की गुणा भी इवन के साथ करवाते हो तो भी हमारे पास क्या आता है भाई? इवन आता है। अगर आप ओड की गुणा भी किसके साथ करवाते हो? इवन के साथ, तो भी हमारे पास क्या आता है? इवन ही आता है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट दो हमारे पास एक अप्रिमेय संख्या है, तो ये बताई थी जब प्रिमे और अप्रिमेय बताए थे, तो ये भी क्या है? सही है। तो केवल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या कि जब आप किन्हीं भी दो नंबर की गुणा करवाओगे और वो इवन है तो ये जरूरी नहीं है कि पी और क्यू दोनों क्या हो? इवन हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। निम्नलिखित में से दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करो कि अगर आपके पास 71 है तो हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर मान लिया 2, और 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 69। इसका मतलब 69 तो हमारे पास क्या है? भाज्य संख्या है। 69 हमारे पास अभाज्य में नहीं आती क्योंकि इसके तो फैक्टर क्या है? एक भी है, तेरह भी है, तीन भी है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और जब आप यहाँ दो रखोगे तो जोड़ोगे तो कितना बनेगा 81, और 81 भी हमारे पास क्या नहीं है भाई, प्राइम संख्या, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 81 जब आप दो में 79 जोड़ोगे, ठीक है, और तो 79 भी हमारे पास प्राइम है और 2 भी प्राइम है, इसका मतलब कौन सा होगा 81। जब आ गया तो अगला चेक नहीं करना, अगर आप चेक करके भी देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 99, और 99 हमारे पास प्राइम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई 81, कि किन्हीं भी निम्नलिखित में से दो अभाज्य संख्याओं का योग 81 नहीं हो सकता, ठीक है। अगला, अगले में कह रहा है कि इफ पी इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर P1 एंड P2, दो नंबर है हमारे पास P1 एंड P2, और यदि P दो अभाज्य संख्या है P1 और P2 का गुणनफल है, तो P के बारे में क्या कह सकते हैं कि P है हमारा P1 गुणा P2, दो नंबरों का गुणा, दोनों नंबर क्या है भाई P1 और P2 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है भाई। तो इसमें से क्या कह सकते हैं, P मस्ट बी इवन, मस्ट बी इवन का मतलब P कंपलसरी है, इवन ही आएगा। ये मस्ट बी के केस में क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने P1 का मान 2 रख लिया और इसका 3 तो P इज इक्वल टू 6, और अगर हमने इसका मान 3 रख लिया इसका मान 5 तो ये कितना आ जाएगा 15। तो P हमारे पास जरूरी नहीं है कि क्या हो, इवन ही हो, ठीक है भाई। सेकंड ऑप्शन, P मस्ट बी ओड, तो P मस्ट बी ओड भी नहीं हो सकता क्योंकि P हमने अभी अभी निकाला, इवन है, ठीक है। अगला कह रहा है P विल हैव 4 फैक्टर्स, P विल हैव 4 फैक्टर्स, P के 4 फैक्टर बनेंगे। देखो क्या है कि अगर आपने दो नंबर मान लो 3 और 5 की गुणा करवाई, दोनों हमारे पास क्या है P1 और P2, दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबर के गुणा निकालोगे 15, तो 15 के फैक्टर क्या क्या आएंगे भाई, 1, 3, 5 और 15, 15 के क्या क्या फैक्टर आएंगे, 1, 3, 5 और 15। ये बात आप याद रखो कि जब भी आप किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स की गुणा करवाओगे तो जो गुणा से जो नंबर आएगा उसके हमेशा कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, ठीक है भाई। कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। तो P के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि P विल हैव 4 फैक्टर्स, P के कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज, क्या कह रहा है कि यदि एक्स हमारे पास एक्स वाई जेड तीन अभाज्य संख्याएं हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या है 50 के बराबर, तो x का अधिकतम मान क्या हो सकता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 के है और हमें मैक्सिमम मान चाहिए, तो ये कब आ सकता है, जब हम इन दोनों को क्या कर दें, मिनिमम, इन दोनों को क्या कर दें, मिनिमम कर दें। और मिनिमम में हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लो आपने इसको रखा 31, हम ऑप्शन पुट करके भी करना चाहें, तो अगर आपने इसको 31 रखा तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 19, ठीक है। और 19 हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं कि 11, या फिर आप क्या करो, ऑप्शन रखने की बजाय आप रखो इसके क्या मिनिमम वैल्यू रख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम क्या हो सकते हैं, ये 2 प्लस 2। इसमें ये बात नहीं बोली गई है कि वाई और जेड क्या है, अलग अलग, एक्स वाई जेड डिस्टिंक है, अगर बोल देता तो हम अलग अलग वैल्यू पुट करते। अब हमने दोनों की सेम रख ली, और ये जब दोनों बराबर 50 के हैं तो ये 4 उस साइड जाके माइनस होगा, तो ये तो 46 आ गया, तो इसका मतलब 46 आप नहीं रख सकते। तो हम क्या करें, हमने रख लिया इसको 2 और 3, 2 और 3 रखोगे तो भी ये कितना चला जाएगा 45। अगर आपने इसको 31 रखा, एक्स का मान 31 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप डायरेक्ट मैक्सिमम पे चलो 43 पे। तो अगर इसने आपको 43 रखा होता, एक्स का मान 43, तो इनका जोड़ वाई प्लस जेड मिला के 50 होना चाहिए, इनका जोड़ कितना 7, और 7 की नहीं भी दो प्राइम नंबर, मतलब 5 और 2 का जोड़ हो सकता है, 5 और 2 का जोड़ हो सकता है, इसका मतलब हम मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, इसकी 43 वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अगर इस केस में ये दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती तो हम क्या कर देते भाई, इस केस को छोड़ के अगले पे चलते। जब मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या उठा लो, मैक्सिमम वैल्यू उठा लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 80 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 16 देन वन ऑफ द नंबर इज, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 80 है, ठीक है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 16 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, ये बताना है भाई।
तो क्या है कि अगर आप तीन प्राइम नंबर आपके पास कोई भी और उनका जोड़ 80, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है। अगर आपने मान लिया 16 अधिक है, अगर एक संख्या 17 है तो दूसरी आपने मान ली 16 अधिक, कितनी हो जाएगी भाई, 33। और जब आप इसको जोड़ोगे 33 होते ही हमारे पास क्या हो गया, 33 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 33 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला केस आप ले नहीं सकते। दूसरा आपने लिया, ठीक है, दूसरा आपने लिया 43, और 43 लेते ही दूसरा नंबर क्या बनेगा भाई, 16 जोड़ोगे 59, 16 अधिक है ना तो 59, और 59 और इनका जोड़ कितना हो गया भाई, ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, तो 43 प्लस 59, 9 3 12, 5 4 9 1, ये हमारे पास क्या आ गया, 102। जब इन तीनों का जोड़ ही 80 है और ये हमारे पास 102 आ गया, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती। अगली क्या कह रहे हैं कि 29, 29 है और 29 में जब आप 16 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, ये 45 बनेगा, ठीक है। तो तीन अभाज्य संख्याएं, ये हमारे पास 45 अभाज्य संख्या नहीं है। जब आप 31 पे जाओगे तो 31 आपके पास क्या हो गया, 31 प्लस 16 करोगे तो एक संख्या 31, 147, एक संख्या तो क्या आ गई 31 और एक क्या आ गई 47, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का जोड़ कितना है भाई 78, और एक संख्या हमारी 2 हो जाएगी, इसका मतलब जो संख्या है हमारी वो क्या है 31, ठीक है। तो तीनों हमारे पास प्राइम आ गई, 31 भी, 47 भी और 2 भी, ठीक है भाई, कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई ये कि n इज लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट प्राइम नंबर, तो जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारे पास वो क्या होता है, दो अंकों का 97, क्या होगा 97। जब आप इसको एक बार तो 11 से भाग करो तो 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचा भाई, 11 8 88, 9 बच जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 9। और जब आपने इसको 13 से भाग किया, 97 को जब आप 13 से भाग करते हो, 13 7 91, कितना बचेगा 6। फिर पूछ रहा है कि 2x-3y का मान, तो 2 × x का मान 9 − 3 × 6, 18 − 18 बराबर किसके भाई, 0 के, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। नेक्स्ट वे, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ पी एंड पी प्लस 1 बोथ आर प्राइम नंबर देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट पी माइनस 1। यदि पी और पी प्लस 1 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो p माइनस 1 के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो देखो, अगर p और p प्लस 1 की बात करो तो ऐसे दो ही केस बनते हैं हमारे पास, 2 और 3, ये दो ही नंबर ऐसे हैं जो लगातार हमारे पास क्या है, प्राइम है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर 2 और 3 है, p का मान 2 और अगला मान 3 आएगा, तो p माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 1, और 1 हमारे पास क्या है, 1 क्या है भाई, जिसका केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट हैज ओनली वन फैक्टर, p माइनस 1 के क्या होंगे, एक ही फैक्टर होगा p माइनस 1 का, क्योंकि एक एक का क्या होता है, एक ही फैक्टर होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे भाई, को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं, ऐसे उन संख्याओं की जोड़ी जिनमें एक के अलावा कोई भी सामान्य गुणनफल नहीं है, सह अभाज्य कहा जाता है। जिनमें केवल कॉमन फैक्टर एक हो वो हमारे पास क्या आएंगे, सह अभाज्य। जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो, वो भाज्य और अभाज्य का कलेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे 4 5 4 5 का कॉमन फैक्टर क्या है भाई, एक, ठीक है, 15 8 15 8 का कॉमन फैक्टर क्या है, एक। तो उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिसमें दो का अंतर हो, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स लेके देखें तो 11 13, उसके बाद 3 5, ये हमारे पास किस में आएंगे, ट्विन में आएंगी, 5 और 7, तो उनको बोलते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिसमें दो का अंतर हो, डिफरेंस कितने का हो, दो का हो, ठीक है भाई। उसके बाद जो नंबर आते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन है भाई, यदि p और q सह अभाज्य हैं और p प्लस q बराबर 12 के है, तो p q के कितने जोड़े संभव हैं। अगर p और q हमारे पास सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, मान लो कि p और q है हमारे पास दो सह अभाज्य संख्या, इनका जोड़ दे रखा है 12,
तो सह अभाज्य आप कैसे निकालोगे? जोड़ 12 का मतलब या तो वो किसका बने, 5 7 का पेयर बने। जब आप 5 और 7 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2। तो आप एक इसका उल्टा भी ले सकते हो, 7 5 में पी को 7 ले लें और इसका पेयर पूछे हमसे तो कितने पेयर बनेंगे। उसके बाद दूसरा जिनका जोड़ 12 बन जाए, 12 और किस किस का बन सकता है भाई, 7 5 का बन गया। वैसे अगर आप 12 के पेयर बनाओ, 1 और 11, ठीक है। उसके बाद 2 और 10, उसके बाद 3 और कितने आ जाएंगे, 3 और 12 है, 3 और 9, उसके बाद 4 और 8, 5 और 7, उसके बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, 6 और 6, 7 5, उसके बाद 8 4, उसके बाद 9 3, ये सारे उल्टे हो जाएंगे अब, 10 2 और कितने, 1 11 और 1, ये उल्टे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम देखते हैं कि 1 और 11 में कॉमन क्या है, एक ही फैक्टर है 1, ठीक है, चलो एक ही हो गया। 2 और 10 इनका कॉमन फैक्टर 2 भी है, 1 भी है 2 भी है, तो इसका नहीं हो सकता। 3 और 9 नहीं हो सकता, उसके बाद 5 7 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 4 8 नहीं हो सकता, ठीक है, 5 7 हमने ऊपर ले लिया, 6 6 नहीं हो सकता, इसके उल्टे। तो 1 2 2 तो ये हो गया हमारे पास, और कौन कौन से आएंगे, इनके 2 इनके उल्टे, तो टोटल कितने बनेंगे भाई, 4 बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे हमारे पास, ठीक है, 2 ये वाले नंबर और 2 इनके उल्टे पे, ठीक है, समझ गए। सह अभाज्य का मतलब क्या है, जब दोनों में क्या हो, कॉमन एक ही फैक्टर हो। उसके बाद है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि यदि गुणनखंडों का योग संख्या को मिला के निकालें, जिसके फैक्टर है उसके फैक्टर का जोड़ संख्या को मिलाकर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बने, डबल बने संख्या का, और जब आप संख्या को हटा दो तो संख्या के बराबर आए। तो ऐसे नंबर जो होते हैं हमारे पास वो किस में आते हैं भाई, पूर्ण संख्याओं में आते हैं, जिसके फैक्टर्स का जोड़, फैक्टर का जोड़ मतलब गुणनखंडों का जोड़ संख्या को हटाकर, संख्या को हटाकर संख्या के बराबर रहे और संख्या को मिलाकर संख्या का दुगना हो जाए, तो वो नंबर हमारे पास किस में आते हैं, परफेक्ट नंबर्स में आते हैं, ठीक है। ये है भाई क्वेश्चन हमारे पास इसके ऊपर, परफेक्ट नंबर के ऊपर, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं इनके। जब आप 8 के फैक्टर बनाओगे तो 8 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 2 4, उसके बाद 8। आप 28 के फैक्टर बनाओगे तो 28 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे भाई, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4 बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 बनेगा, 8 नहीं बनेगा, 9 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, तो कौन सा बनेगा, 14, उसके बाद 28। 14 पे जाओगे तो 14 में क्या क्या बनेंगे भाई, 1 बनेगा, 2 बनेगा, उसके बाद 7 बनेगा और 1 14 खुद बनेगा। और 16 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद 4 के बाद कौन सा आएगा भाई, 8, और 8 के बाद 16, ठीक है भाई, ये बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 8 बनेगा और 16। फैक्टर निकालने का मतलब तो पता होगा ना, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड, वो संख्याएं मतलब जो इस संख्या को भाग कर दें। तो अब अगर आप जोड़ निकालो, संख्या को हटाकर देखते हैं, 4 2 6 और 1 7, 8 के बराबर नहीं है, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 2 27 और 1 28, इसके हैं हमारे पास, ठीक है भाई। संख्या को हटाकर संख्या के बराबर रहे, 7 और 2 9 और 1 10, इसके भी नहीं होंगे, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, इसके भी नहीं होंगे, तो केवल हमारे पास कौन सी संख्या है, वो 28 वो संख्या है जो क्या है हमारे पास, पूर्ण संख्या है, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास आज में नंबर्स के बारे में, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर्स को किस प्रकार क्लासिफाई करते हैं हम, कि कौन कौन से नंबर हमारे पास परफेक्ट नंबर होंगे, कौन से हमारे पास होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो संख्याओं के बारे में सीखा। तो जो कल की क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी यूनिट डिजिट के ऊपर, ठीक है, इकाई के अंक के ऊपर। तब तक भाई इन दोनों क्लासों को आप देखें, जो भी कोई डाउट है, मैं कल भी कह के गया था कि जो भी अगर आपको कोई डाउट आता है वो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं भाई, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।